Like a Hellcat. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? लोग आज मैं खेलने वाला हूँ टीम डेथ मैच, वो भी रैंडम प्लेयर्स के साथ। तो यहाँ आज इस वीडियो में आपको आगे जाके पता चलेगा कि रैंडम प्लेयर के साथ जो जब हम खेलते हैं तब कितना बुरा होता है। रैंडम प्लेयर के साथ हमें खेलना ही नहीं चाहिए, ये बात तो आपको इस गेम के लास्ट में पता चल जाएगा कि रैंडम प्लेयर के साथ खेलने से क्या होता है। उनके साथ खेलना ही नहीं होता है, चाहे वो TDM हो या क्लासिक मैच हो, हमेशा रैंडम प्लेयर धोखा ही देता है, हमेशा धोखा देते हैं। तो अभी ये खेल पहले एंजॉय करो और देखो बाद में क्या होता है मेरे साथ। तो यहाँ पे मैंने सामने जो भी बंदे आए हैं सबको मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ एक साथ। तो बहुत बंदे आ गए मेरे साथ सामने, तो इनको मैं अच्छे से मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अंत में मेरे साथ जो हुआ तुम लोग बहुत देखोगे, तुम लोग भी कहोगे भाई आज से रैंडम के साथ नहीं खेलेंगे, ये बात तुम लोग जरूर कहना। तो यहाँ पे मैं जितना हो सके बंदों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अंत में क्या होता है वो तुम्हें अंत में पता चलेगा, अंत में मैं बताऊँगा। लेकिन अभी यहाँ पे मैं बंदों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह से, और अभी तुम लोग देख सकते हो कि हम उनसे आगे है, बहुत आगे है, हमारा 23 है, उनका 21 है। लेकिन अभी तुम लोग तो देख ही चुके हो कि हमारे टीम में एक जो बंदा है वो निकल चुका है अभी टीम से, अभी हम तीनों बंदे ही बाकी है, तब भी हम उनसे आगे है, बहुत आगे है, एक पॉइंट भी अभी उनसे आगे है हम लोग। लेकिन अब तुम लोग धीरे धीरे देखना कि हमारे टीम से एक एक बंदे अभी निकल जाएंगे, एक एक करके निकल जाएंगे वो लोग, अभी भी हम उनसे आगे है। लेकिन अभी देखो सिर्फ टीम में मैं ही बचा हूँ, बाकी जितने दो बंदे थे वो भी निकल गए। अरे ये भाई, ये गेम तो हम जीतने वाले थे ना भाई, निकल क्यों गए तुम लोग? फिर मैं अकेले लड़ना पड़ा मुझे इन लोगों के साथ, तो इन लोगों के साथ अकेला मैं कैसे लड़ सकता हूँ भाई? पहले तो मैं अच्छा खेल रहा था खुद की तरफ से, उन लोगों का पता नहीं क्या हो गया, कैसा हो गया क्या पता नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आया था तभी। लेकिन मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं बंदों को मार सकूं, लेकिन अकेला आदमी एक सारसा आदमी के साथ कैसे मार सकता है? और मेरा पिंग भी इतना अच्छा नहीं है और मेरा मोबाइल भी इतना अच्छा नहीं है कि मैं आसानी से खेल सकूं, बंदों को मार सकूं आराम से। तो मैं अकेला कितना खेलूंगा, इसलिए मैं बता रहा हूं तुम लोग अगर अपना रैंक पुश करो या जो भी हो, तुम लोग रैंडम प्लेयर के साथ कभी मत खेलो। अगर उसके बदले तुम लोग सोलो ही खेलो, सोलो ही रैंक पुश करो या अपने दोस्तों के साथ खेल लो, लेकिन ऐसे अकेले रैंक वगैरह मत पुश करो। या ये TDM में ही तुम लोगों को एग्जांपल मिल गया होगा, अगर यहाँ पर मेरा 34 है, उनका 37 है, अगर हमारा यहाँ पे अगर हमारा टीममेट होता सारों के सारों होते तो अभी तक हमें यहाँ पे इन लोगों के साथ नहीं लड़ रहा होता, अभी तक हम ये गेम जीत चुके होते। लेकिन क्या करें, रैंडम प्लेयर ही ऐसे चुटिया लोग हैं जिनके वजह से पूरा गेम खराब होता है, चाहे वो क्लासिक हो या TDM हो। तो यहाँ पे मैं हार जाता हूँ ऐसे खेल में, तो बहुत बुरा लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तुम और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जल्दी से जल्दी जाके इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लो, और मेरे इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।